We are starting question number 8, exercise 9.3. Form the differential equation of the family of the ellipse having foci on y-axis. This is the biggest critical information we have in this question. Hamare paas jo sabse achhi information hai, having foci on y-axis. Dekhiye, jo equation of the ellipse hoti hai, agar uska foci y-axis pe hai, to aapke paas ye ek वर्टिकल एलिप्स होगा, ऐसा वाला वर्टिकल, ऐसे खड़ा एलिप्स, बात समझ रहे हो ना, एलिप्स ऐसे एंड है जैसा होता है, तो ये वाई एक्सिस पे है तो इस तरह से रहेगा, अगर एक्स एक्सिस पे होता तो ऐसे रहता, हॉरिजॉन्टल रहता, यानी कि मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो वाई एक्सिस है ये मेजर एक्सिस है, बात समझे, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनर एक्सिस, ये तो पता ही है, ये सेंटर है, ठीक है, ओरिजिन है यहाँ पर हमारे पास, अब ये बात आप सोचिए कि यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, यहाँ अगर ये पूरी की पूरी डिस्टेंस a है तो ये पॉइंट आपका होगा जीरो और a, और ये पॉइंट आपका क्या होगा, जीरो और माइनस a, चलिए इस पॉइंट की बात करते हैं, y एक्सिस, ये x एक्सिस में आपको पता है ना y जीरो होता है, तो ये माइनस b और जीरो, और ये क्या होगा आपका जी, b और जीरो होगा, ये सेंटर है यहाँ पे, ये जीरो जीरो है, यहां तक सारी बात समझ में आ रही है, ये यहां पर हमारे पास फोकस है ये रहा, तो ये हमारे पास हो गया है फोकस, बात समझे, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं, उसने कहा है कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन होगी क्या, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स और द फैमिली ऑफ द एलिप्स हैविंग foci on y-axis, y-axis में जिसका foci होता है उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y square upon a square plus x square upon b square equal to 1, जहां पर आपका a greater है b से, ये 11th में काफी ज्यादा आए थे, एलिप्स आए थे, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारे के सारे इक्वेशन वहां पर है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर कुछ हद तक समझा दिया है कि मेजर एक्सिस जो बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये बात आप समझ गए, अच्छा अब देखिए आप पॉइंट में आ जाइए, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है, फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए, सिंस दिस इक्वेशन कंटेन्स टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, दो कॉन्स्टेंट है ना आपके पास, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, दो बार करेंगे और विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड With respect to x, x के respect में करते हैं, देखिए ब्रदर यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो 1 upon a square तो constant है, बाहर हो गया, y square का आप करेंगे क्या आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 2y और फिर y dash, ये बात आई समझ में आई, अब आगे देखिए 1 upon b square हो गया और x square का आप करोगे तो क्या आएगा जी आपका 2x equal to 0, ये ऑप्शन आ गया है, ठीक है, अब आगे समझिए, समझने की कोशिश करिए, देखिए इसके पास भी 2 है, यहां पर भी 2 है, मैं क्या करूंगा, ये सारों को 2 को ना उसके अपॉन में ले जाऊंगा, ठीक है, या आप यहां से 2 पहले कॉमन ले लीजिए, देखिए मैंने यहां पर 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया बाहर 2, ले लिया 2, अब ये 2 कहां जाएगा, अपॉन में जाएगा ना इसके, और 0 के अपॉन में जाएगा तो ये फिनिश हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, बात समझ में आ रहा है, तो अब हम दोबारा करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से चालू हो जाते हैं, तो देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर तो मेरे पास बाहर है और यहां पर ये दो फंक्शन हो गए वाई और वाई डैश, दो हो गए ना, तो चलिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, आया समझ में, कितना ईजी है, प्लस हमारे पास यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन तो ब्रदर 1 होता है, आपको अच्छे से रटा हुआ है, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0, यहां तक ऑप्शन समझ में आ रहा है सारा, अब देखिए ध्यान से समझिए, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, आप 1 अपॉन बी स्क्वायर को उधर ले जाइए, अब जब आप 1 अपॉन बी स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे उस साइड, तो आपके पास ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, आ रहा है सारा समझ में आ रहा है, इस वैल्यूज को जो आपके पास ये आई है वैल्यूज थर्ड में से निकाल कर इस वैल्यूज को आप सेकंड में रख दीजिए, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर है ना, इसके प्लेस में आप ये पूरी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, चलिए रखना स्टार्ट करते हैं, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन
सेकंड में आप रख लीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया, y y डैश और यहां पर a स्क्वायर है। जरा यहां पे समझिए, हमारे पास ऑप्शन है बाहर, यहां पर मैंने माइनस लिया है ना, तो माइनस को आप इधर ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस आ गया ये वाला, समझ में आ रहा है, वन अपॉन बी स्क्वायर, इसके जगह पे मैं ये रख रहा हूं, तो मेरे पास ऑप्शन है माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर और यहां पर वाई वाई डैश डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर कर दू, वाई डैश का स्क्वायर और यहां पर क्लोज और एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए भाई एक बात समझना, थोड़ी सी बात समझो, अगर मैं इसका और इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से ये ए स्क्वायर जीरो से जाकर फिनिश हो जाएगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया जी, बात समझे। अब इस ऑप्शन को आप सोल्व कर लीजिए, देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, वाई वाई डैश, सबसे पहले तो सबसे बड़े को लीजिए, ये वाला है ना, तो ये हमारे पास, और एक्स की मल्टीप्लाई भी है इधर, ये भी ध्यान रखना, एक्स मल्टीप्लाई भी तो करना है इधर, ये देखिए इसे मत भूल जाना। तो ये क्या ऑप्शन हो गया, एक्स वाई और वाई डैश डैश को मैं कैसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बात समझे। अच्छा इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या ऑप्शन आ गया यहां पर हमारे पास, ये माइनस है ना, माइनस एक्स और वाई डैश को मैं कैसे लिखूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिया है ना, पहले इस तरह से फिर ऐसे, अब लास्ट में मैं इसको ले रहा हूं, तो वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। आप क्या करो, माइनस हटाने के लिए आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस वन से आपने मल्टीप्लाई करी तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी वेल, वी ऑलवेज अपलोड 5 एंड मोर वीडियोस डेली to my YouTube channel CBSE Maths. Please like my channel, please share my channel and subscribe my channel, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो अपलोड करते हैं और हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।